हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एनेस्थेटिक्स और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जनरल एनेस्थेटिक्स तो दो टाइप के मेन एनेस्थेटिक्स होते हैं एक जनरल और सेकेंड दैट इज़ ए लोकल एनेस्थेटिक्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली ऑन द जरन जनरल एनेस्थेटिक्स तो उसके यूजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ़ दिस एनेस्थेटिक्स और इसमें भी स्पेशली जनरल एनेस्थेटिक्स के यूजेस के बारे में फिर उनके हम समझे तो मेकेनिज्म ऑफ एक्शन के किस तरह से ये काम करते हैं उनके जो कॉन्ट्राइंडेसन्स हम कहते हैं कि कौन से कंडीशन में जनरल एनेस्थेटिक्स वो पेशेंट को नहीं देने चाहिए एंड वाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस एनास्थेटिक्स तो अलग अलग जो एनेस्थेटिक्स हम देखते कि हेलोथेन जो है फिर प्रोपोफॉल है थायोपेंटल सोडियम इंजेक्शन तो वगैरह जो है वो ऐसे क्लास के मेडिकेशंस में आते हैं कि जिनको हम कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स तो इसका डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मारॉग्स फा। फा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मर ऑक्स फार्मर ऑक्स का मोबाइल एप्लीकेशन अब अवेलेबल है तो यू कैन यूज की पे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर सकते हैं दिस इज ए एजुकेशनल लेक्चर ओनली वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और प्रोडक्ट

तो एनेस्थेटिक्स इज ए ड्रग इट इज ए ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूस ए कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग तो ये वर्ड अच्छे से आपको पकड़ना जरूरी है बिकॉज एनेस्थेटिक्स का जो डेफिनेशन है उसमें ये वर्ड का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज कि कंप्लीट और पार्शियल बिकॉज एनेस्थेटिक्स ऐसे मेडिकेशन हम कह सकते हैं ऐसे ड्रग या फिर ऐसे फार्मास्यूटिकल एजेंट कि जो पेशेंट के अंदर कंप्लीटली या फिर पार्सियल लॉस ऑफ फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम यूजली इंडिकेट करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी समझो कि कोई पेशेंट की सर्जरी होने वाली है और उस दौरान उसकी जो फीलिंग जो है वो एरिया की या फिर वो पार्ट की लॉस करने के लिए हम ये एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस देते हैं कि जो हम कहें कि पेनलेस सर्जरी प्रोवाइड करने के लिए पेनलेस सर्जरी तो पेनलेस सर्जरी कब होगी कि जब पेशेंट की जो फीलिंग है वो लॉस हो जाएगी और फीलिंग जब तभी लॉस होगी कि जब आपकी जो नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम कि जो स्टिम्युलेट होती है उसको जब समझो कि हम डिप्रेस कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं तो उसके कारण जो सेंसेशन है वो पेशेंट के हो जाते हैं रिड्यूस तो ये मेडिकेशंस के अंदर ऐसे मेकेनिज़म होते कि ये ऐसे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है कि जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो डिप्रेस करे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की जो हम एक्टिविटी कहते हैं बिकॉज कि जो कोई भी सेंसेशन जो हमें होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्वस सिस्टम और उसमें भी जो न्यूरॉन्स हम कहें कि न्यूरॉन्स जो है वो कोई भी पोर्सन भी जब कोई सेंसेशन होती है तो तुरंत वो रिस्पॉन्स जो है वो हमारे ब्रेन की ओर लेकर जाती है और ब्रेन वो इंफॉर्मेशन के सामने अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करता है तो एनास्थेटिक्स का मेन काम ही होता है कि जो लॉस ऑफ फीलिंग करना पार्शियल या फिर कंप्लीट कॉन्सियस अनकॉन्सियसनेस प्रोड्यूस करना है एंड देयर आर थ्री काइंड ऑफ एनास्थेटिक्स देर आर जनरल रीजनल एंड थर्ड दैट इज लोकल उसी में सबसे ज़्यादा हम जनरल एंड लोकल एनास्थेटिक्स को यूज करते हैं एंड वेन ए पेशेंट अंडर गोज ए जनरल एनास्थेटिक दे लॉस सेंसेसन एंड बिकम अनकॉन्सियस कि लॉस सेंसेशन कि जो पेशेंट के जो सेंसेशन होते हैं वो लॉस होते हैं एज वेल एज बिकम अनकॉन्शियस कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट को समझो कि यहाँ पे क्विज चल रही है सर्जरी पेशेंट की तो ये सर्जरी के दौरान जब उसको एनास्थेटिक्स जो है वो इन्हेलेशन के थ्रू दिया जाए या फिर उसको इंजेक्शन से जब एनास्थेटिक्स दिए जाते हैं तो अब उसकी जो सन्सेसंस होती है वो लॉस होती है और बिकम अनकॉन्शियस जिसके कारण समझे कि उसके ऊपर अब जो भी कोई सर्जरीज वगैरह होती है तो वो उसको पता नहीं चलता और जो हम कहें तो पॉजिटिव जो उसका यूज़ हम कहें तो एनेस्थेटिक्स के पॉजिटिव यूज़ के कारण पेशेंट को जो है वह हम पेनलेस सर्जरी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि बिना कोई पेन हुए बिना कोई पता चले उसकी जो सर्जरी है वो अच्छे से हो जाती है और आगे जाके पेशेंट जो है वो अपनी जो भी कोई बीमारी थी जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस से उसमें से वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और फिर उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है तो ये चीज़ जरूरी है कि एनास्थेटिक्स का ये जो था बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करें अब तो आज जो हमें सीखना है वो है जनरल एनास्थेटिक्स की तीन एनास्थेटिक एक जनरल रीजनल एंड लोकल उसमें से हम जो है वो सबसे पहले सीखेंगे जनरल एनास्थेटिक्स के बारे में कि जिसको जनरल एनास्थेसिया भी कहा जाता है तो जनरल जनरल एनास्थेसिया इस एनास्थेटिक यूज टू इंड्यूस द अनकॉन्सियसनेस ड्यूरिंग द सर्जरी तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्पेशली जब सर्जरी के दौरान कि जब पेशेंट की किसी भी टाइप की सर्जरी होती है तो उस वक्त हम जनरल एनास्थेटिक को सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं और इंड्यूस द अनकॉन्सियसनेस कि पेशेंट जो है वो कंप्लीटली अनकॉन्सियस हो जाता है आफ्टर गिविंग द जनरल एनास्थेटिक्स तो ये पॉइंट जो है वो प्रायोरिटी बेस पे आपको अच्छे से तैयार करना है

ब्रीथिंग मास्क है और ये जो है वो पूरी एक ट्यूब है तो इसके थ्रू एनास्थेसिया जो है वो उसको दिया जाता है और सेकंड की जो इंट्रावेनसली इंजेक्शन देकर भी उसको एनास्थेसाइज किया जाता है और ब्रीथिंग ट्यूब में भी इंसर्टेड इंटू द विंड पाइप टू मेंटेन द प्रॉपर ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सर्जरी साथ में जो ब्रीथिंग ट्यूब होती है वो भी पेशेंट को दी जाती है कि जिसके कारण वो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिलता रहे सर्जरी के दौरान वो अच्छे से ब्रीथिंग कर सके उसके जो ब्रीथिंग है वो चल रही बिकॉज हमें अनकॉन्शियस तो करना है पेशेंट को बट उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो उसके दूसरे जो वाइटल साइंस ऊपर अफेक्ट हो ऐसा नहीं जस्ट हमें उसके सेंसेशन कम करवा देना है रिड्यूस करवा देना है या फिर कंप्लीटली उसके सेंसेशन बंद करवाने हैं और सेकंड दैट इज़ अनकॉन्सियस करना है बट सामने उसके जो एक्टिविटीज़ है कि समझे कि पेशेंट जो ब्रीथिंग करता है वो होना चाहिए उसका हार्ट अच्छे से काम करना चाहिए तो ये दोनों चीज़ जो, पे, जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटी भी होती है इसीलिए ये मेडिकेशंस का जो डोज़ है वो प्रॉपर एक्सपर्ट के द्वारा ही दिए जाते हैं प्रॉपर एक्सपर्ट ही उसको जो है वो प्रॉपर डोज देते हैं जिसके कारण ओवर डोज के कारण भी पेशेंट को कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं लोअर डोज के कारण भी प्रॉपर अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस नहीं होता तो जरूरी है प्रॉपर डोज कि जो पेशेंट को सूट हो उसी तरह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही ये जनरल एनास्थिक्स अच्छे से पेशेंट को देते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखिए जनरल एनास्थेटिक्स के दट आर फर्स्ट इनहेलेसन की जिसके अंदर गैस के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की जो इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं कि जो अभी हमने देखा कि जो ब्रीथिंग मास्क के थ्रू या फिर ट्यूब के थ्रू पेशन को जो है ये इनहेल किए जाते हैं और उसमें ये गैस दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज ए नाइट्रस ऑक्साइड सेकेंड देखिए जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है जैसे कि ईथर क्लास के देट आर हेलोथेन की जो काफ़ी पॉपुलर है और दिस इज ऑल्सो आर एक्स ओनली यह सभी क्या रहेंगे आर एक्स ओनली कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्स के साथ मेडिकल सुपरविजन्स के साथ एक्सपर्ट टाइस के साथ ही ये अनास्थेसिया जो है वो यूज किया जाते हैं तो इस तरह की अलग अलग उसकी बॉटल्स आती है 250 फिफ्टी एम एल यहाँ पे देख सकते हैं। फिर वॉलेटाइल लिक्विड्स के अंदर हेलोथेन, ईथर इनफ्लूरन है आइसोफ्लुरेन, फ्लूरेन, फ्लूरेन एंड सेवोफ्लुरेन। तो आइसोफ्लुरेन फ्लूरेन यूएस पे देख सकते हैं टू फिफ्टी एम एल दिस इज ऑल्सो ए आर एक्स रहता है और यहाँ पे कॉमन है पीछे आप देखिए फ्लूरन सभी के पीछे लग रहा है फ्ल्यूरन इज कॉमन इन ऑल दिस वॉलेटाइल एक्सेप्ट द इथर एंड हेलोथेन तो ये आपको ट्रिक याद रखनी के जो फ्लूरेंस जो होते हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड से कि जो यूज होते हैं एज अ जनरल एनास्थेटिक्स नेक्स्ट सीखते हैं उसका जो क्लास दैट इज कि जो ये वाले जो है सब ये से कि जो ब्रीथिंग मास्क के थ्रू पेशेंट को इन्हीलेसन खे जाते हैं तो ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर ये स्लाइड पर है देट ऑल आर द इनहेलेसन जनरल एनास्थेटिक्स और जो अब नेक्स्ट स्लाइड पर जो हम सीखने वाले हैं देट आर इंट्रावेनास्लिक यह सभी के इंजेक्शनस अवेलेबल होते हैं और प्रॉपर एक्सपर्टाइज के साथ उनको प्रॉपर डोस जो है उसका पेशेंट को दिया जाता है कि जिससे हम एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस कर सके टिंट्रावेनस के अंदर जो इंड्यूसिंग एजेंट्स है वो है थायोपेंटोन सोडियम थायोपेंटोन सोडियम का इंजेक्शन यहां पे देख सकते हैं आप उसके बाद मिथोहैक्सिटोन सोडियम प्रोपोफॉल है इटोमिडेट है तो ये जो है इंड्यूसिंग एजेंट्स है तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं कि इंड्यूसिंग एजेंट यूज एज ए इंट्रावेनस जनरल एनास्थेटिक्स तो ये आपके एग्जाम के अंदर वाइवा के लिए हम कहे थियरी एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन हो या फिर एम सभी के लिए ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट आई रहेगा आगे समझिए जो नेक्स्ट है दैट इज स्लोवर एक्टिंग ड्रग्स तो स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स की जो ऑलरेडी इंट्रावेनस में ही है दैट आर बेंजो डाइजेपाम लॉराजेपाम एंड मीडाजोलाम तो ये जो चार है वो स्लोअर एक्टिंग है तो ये क्लास भी अच्छे से याद रखना है कि इंट्रावेनस के अंदर स्लोअर एक्टिंग तो देट आर बेंजो डाइजेपाम लॉरा एंड मीडाजोलॉम फिर जो सेकंड है डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स डिसोसिएटिव और ये जो है वो कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं कि उसके जो एग्जाम्पल है कैटामाइन उसका जो एग्जाम्पल है दैट इज कैटामाइन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसोसिएटिव एनास्थेसिया इट इज ए कैटामाइन तो ये तो जो कैटामाइन है वो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसोसिएटिव एनास्थेसिया तो ये एम के अंदर बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है तो ये पॉइंट आपके लिए है पिन पॉइंट जो हम कहते हैं तो अच्छे से याद रखिए नेक्स्ट दैट इज ओपियोइड एनालिसिया ओपियोड एनालिसिया की जो इंट्रावेनस ले दिया जाता है दैट इज फैंटानील तो दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओपियोड एनालजेसिया तो ये जितने भी है यहाँ पे ये स्लाइड पे मोस्ट आई एम पी आपके लिए बिकॉज कि इंट्रावेनसली कौन से जनरल एनास्टिटिक्स दिए जाते हैं ये है उसकी पूरी लिस्ट अच्छे से विथ प्रॉपर क्लास की इंड्यूसिंग एजेंट क्लास कौन से है स्लोअर एक्टिंग क्लास डिसोसिएटिव एंड ऑल्सो द ओप्यूडियो उसके जो मार्केटेड फॉर्मूलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोपोफॉल किस तरह से उनके जो वायल्स होते हैं एज वेल एज थायोपेंटल का भी आप देख सकते हैं वायल और ये वायल के थ्रू जो है वो पेशेंट को प्रॉपर डोज डिलीवर किया जाता है टू प्रोड्यूस एनास्थेटिक इफेक्ट मेकेनिज्म समझते हैं ये मेडिकेशंस के तो मेकेनिज्म में तो स्पेशली तो हमें करना है कि पेशेंट को अनकॉन्सियस करने के लिए या फिर उसके जो सेंसेशन है वो लॉस करवाने के लिए जरूरी होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करवाना तो ये मेडिकेशन स्पेशली जो अफेक्ट करते हैं कुछ ऐसे रिसेप्टर्स को कि जो हम यहाँ पे सीखेंगे दैट आर कि दो ऐसे रिसेप्टर है ऐसे जो चैनल्स हैं कि जो है एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड कि यहाँ पे गामा है और जिसको हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर तो यहां पे आप देखिए जनरल एनास्थेटिक्स और ये है गाबा गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड तो इन जनरल एनास्थेटिक्स इनहिबिट और ब्लॉक एक्साइटेटरी लिगेंड गेटेड आयन चैनल तो ऐसे चैनल्स की जो आपके कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब ये चैनल्स प्रॉपर एक्टिवेट होती है तो ये क्या करती है प्रॉपर आपके कॉन्शियसनेस हम कहें हमारी जो अंदर प्रॉपर हमें सेंसेशंस होते हैं प्रॉपर हमारी कॉन्सियसनेस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये मेडिकेशंस का टारगेट ये आयन चैनल्स एज वेल एज़ ये रिसेप्टर होते कि जो ये रिसेप्टर और ये आयन चैनल को समझो कि हम ब्लॉक करवाते हैं तो उसके कारण जो है वो पेशेंट आगे जाके जो अनकॉन्सियसनेस जो है वो आ, फील करेगा तो इन्हीबिट और ब्लॉक एक्साइटरी लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स एंड एनहांस देंसिटिविटी ऑफ इन्हीबिटरी आयन चैनल सच एस गामा अमाइनो ब्यूटीरिक एसिड कि जिसको हम कहते हैं गाबा ए रिसेप्टर एंड सेकंड ब्लॉकेज ऑफ आयन चैनल इन द एन कि जिसको कहते हैं हम एन मिथाइल डी एस्पार्टेट टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर बाय कैटाम अराउस्ट ग्रेट इंटरेस्ट कि जितने भी अलग अलग हमने देखे कि जनरल एनास्थेटिक्स देखे तो ये जनरल एनासीटिक यूजली यहाँ पे जो अपनी, है अपनी इफेक्ट दिखाते हैं कि जिसके कारण आगे जाके क्या होता है माइटोकॉन्ड्रियल कैल्शियम ओवरलोड एनर्जी फाइलोर साइटोग्राम सी रिलीज होता है एयर रिजल्टिंग इन न्यूरॉन डेथ तो उसके कारण जो है वो पेशेंट के अंदर हम अनकॉन्सियसनेस जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग दिस एनास्थेटिक्स तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी पॉइंट है कि कौन से चैनल्स एंड रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो ये आपको ये स्लाइड में से अच्छे से याद रखना है तो ये हो गए मेकेनिजम ऑफ एक्शन इंडिकेशन समझे तो स्पेशली शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि सर्जरी के दौरान अनकॉन्सियसनेस इंड्यूस करने के लिए जनरल एनास्थेटिक्स को हम यूज करते थे तो जनरल एनासिटिक यूजली दो तरीके से हमने दिए कि जो प्रीवियसली हमने क्लासिफिकेशन के दौर पे भी देखा कि एक तो ब्रीथिंग मास्क के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं तो अनकॉन्सियसनेस इंड्यूस करने के लिए तो उसका मेन यूज हो गया ड्यूरिंग द सर्जरी उसके अलावा हम देखे तो अनकॉन्सियसनेस जो हम कहते कि लॉस ऑफ अवेयरनेस फिर एनालिस्या कि लॉस और लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेन कि भले पेशेंट पर पे कोई भी सर्जरी हो रही हो बट उसको कोई भी टाइप के पेन नहीं होगा कि जिसके कारण उसकी पेनलेस सर्जरी अच्छे से हम कर सकें लॉस ऑफ अवेयरनेस इवन पेशेंट को पता भी ना चले और उसकी अच्छे से जो है ट्रीटमेंट हो जाए और सर्जरी हो जाए फिर एमनेसिया की लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है तो वो भी समझो कि कोई केसेस में आपको एमनेसिया इंड्यूस करवाना है तो भी ये मेडिकेशन यूज किए जाते हैं इमोबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ मोटर कि आपको बॉडी के ऐसे पार्ट की समझो कि सर्जरी या फिर ट्रीटमेंट करनी है कि उसकी कंप्लीटली इमोबिलिटी की जरूरत तो जैसे कि समझो कि, कि किसी की नी सर्जरी है कि जो नी जॉइंट होता है उसकी सर्जरी के कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है रूमिटेड आर्थराइटिस का है और ऐसे पेशेंट की समझो कि आपको सर्जरी करनी है उसके नी जॉइंट की तो उस वक्त ज़रूरी है कि वो पोर्सन कम्प्लीटली इमोबाइल कर लेना कि समझो कि जब वो ट्रीटमेंट हो रहे हो उस वक्त कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए ऑफ दैट पार्ट तो उस वक्त जो वो पर्टिकुलर रीजन के मोटर रिफ्लेक्सेस को बंद करने के लिए ये मेडिकेशन हम देते हैं पैरालसिस मीन्स स्केलेटल मसल रिलैक्सेसन एंड नॉर्मल मसल रिलैक्सेसन जो हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल्स एज वेल एज नॉर्मल मसल्स के रिलैक्सीसन को इंड्यूस करने के लिए भी ये जो एनास्थेटिक्स यूज किया जाता है ये है उसका यूज एंड इंडिकेशंस नेक्स्ट समझना जरूरी है उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस तो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंक्लूड द पेशेंट विथ मेडिकल कंडीशन देट आर नॉट ऑप्टमाइज प्रायर टू इलेक्टिव सर्जरी देन पेशेंट विथ डिफिकल्ट एयरवेज कैसे पेशेंट कि जिनको एनास्थेसिया अच्छे से स्यूट नहीं होता फिर ऐसे पेशेंट की जिनको डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर एयरवेज पासिंग में डिफ़िकल्टी है तो ऐसे पेशेंट को गलती से भी एनास्थेटिक नहीं देना चाहिए बिकॉज समझो कि उसके एयरवेज बंद हो गए तो आगे जाके पेशेंट की डेथ हो सकती है तो ये जरूरी कि जो किसी पेशेंट को एयरवेज रिलेटेड प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है कि इसको अस्थमारी जैसा कोई प्रॉब्लम है सांस लेने में डिफ़िकल्टी है और ऐसे पेशेंट को कभी भी गलती से भी एनास्थेटिक्स नहीं देने चाहिए अदर सिग्निफिकेंट कॉमोरबिडिटीज सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस है सिग्निफिकेंट पल्मोनरी पलमरीजिज है एंड ऑल्सो द सी एच एफ कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर हम कहते हैं कि ये जो है वो रिस्क होता है उनको एनास्थेटिया देने के समझो कि एनास्थेटिक देने के बाद उसकी जो इफेक्ट जो है वो रिवर्स ना हुई और ड्यूरिंग दैट इफेक्ट इफेक् पेशेंट को समझो कि कुछ हो जाता है तो उसके कारण जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसके कारण ये सब कंडीशन में जनरल एनास्थेटिक के बजाय फिर हम लोकल एनास्थेटिक्स देके भी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस, सिग्निफिकेंट कॉम्बोरबिडिस बाइडिटिस सी एच एफ फलमरी डिसीज और उसमें भी जो एयरवेज रिलेटेड डिसीज है तो वैसे कंडीशंस के अंदर जो है वो ये कॉन्ट्राइंडेसन है साइड इफेक्ट समझते हैं को कई बार पेशेंट को पेन भी होते हैं कि एनास्थेटिक समझो कि सूट नहीं होता या फिर दूसरे कोई कॉम्प्लीकेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो कॉन्शियसनेस या फिर लॉस ऑफ पेन होने की जगह पेन जो है वो कई बार इंक्रीज हो जाता है इन वॉमिटिंग होते हैं अप टू थर्टी परसेंट ऑफ पेशेंट कि जब केस स्टडीज़ हम करते हैं अलग अलग तो उसमें देखे जाता है कि अराउंड थर्टी परसेंट जितने पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है डैमेज टू टीथ कई बार टीथ भी डैमेज होती है उनके साइड इफेक्ट के तौर पर सॉर थ्रॉट एंड लेरिजियल डैमेज कि यहाँ पे जो देख रहे हैं कि कि ये वाला जो रीजन है थ्रॉट का वहाँ पे सॉर थ्रॉट हो सकता है लैरेंजियल डैमेज हो सकता है पेशेंट को जो है वो नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है फिर कुछ पेशेंट को एनाफाइलेक्सिक्स देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली वन इन थ्री थाउजेंड कि अगर आप तीन हजार जितने पेशेंट्स के साथ केस स्टडी करें तो उसमें से एक पेशेंट को एनाफाइलेक्सिक्स हो सकता है ड्यू टू एनास्टिक जैसे कि ये एलर्जिक uh, रिएक्शंस हो सकते हैं उसको ड्यू uh, टू दाइलेक्सिस रिस्पॉन्स ड्यू टू एनास्थेटिक्स फिर कार्डियोवास्कुलर कॉलेप्स हो सकता है एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो ये समझिए कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसके साइड इफेक्ट हैं इसी के कारण जो पेशेंट uh, को एयरवेज प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये हमने कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की है कि एयरवे डिप्रेशन होगा तो ऑलरेडी उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है और ये मेडिसिन लेने से तो और डिफ़िकल्टी हो जाएगी तो उस वक्त ये जो है वो कम्प्लीटली इंडिकेटेड किए जाते हैं एयरवेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर फिर परमोनली प्रॉब्लम्स कर सकता है सी एच एफ कर सकता है तो उसी के कारण कार्डियोवास्कुलर कॉलेप्स हो सकते हैं इनके साइड इफेक्ट के तौर पे इसी कारण जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये अनास्थेटिक्स होते हैं तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द जनरल अनास्थेटिक्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में सीखेंगे टिल देन जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए वैल्यूएबल कमेंट्स करिए एंड ऑल्सो शेयर इन ए वेरियस सोशल ग्रुप्स ऑफ योर मोबाइल एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन फार्मा रॉक्स की जहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएंगे तो डाउनलोड दिस फार्मा रॉक्स गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं गुड लक एंड ऑल द बेस्ट